एक हवेली टाइप है, ये है एक हवेली टाइप, यानी कि जो गांव में कोई बड़ी हवेली होती है ना, ये वो हवेली टाइप है। ये भी अंदर से गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये इनकी पुरानी गाड़ियाँ हैं लेकिन ये चलाते नहीं है, ये इन्होंने डेकोरेशन के लिए खड़ी की हैं। ये पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं तीनों, ये देखिए ज़रा, ये अपनी चीज़ों को ना, पुरानी चीज़ों को। ये ऊपर किला है, ये किला है, ये किले का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, एक ये रास्ता है इधर से और एक उधर से रास्ता है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपका, ठीक हो, सेहत तबीयत ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का क्या सीन है, आज का सीन ये है कि आज आपको आपका भाई दिखाएगा इधर के गांव में जो इन्होंने पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, वो इन्होंने क्यों रखी होती हैं, किस लिए रखी होती हैं, वो भी आपको दिखाऊँगा कि इन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें क्या क्या संभाल के रखी होती हैं, जो ये इस्तेमाल तो नहीं करते लेकिन इन्होंने वो डेकोरेट करके रखी होती हैं अपने घर के बाहर, अपने घर के अंदर, वो भी आज आपको दिखाऊँगा मैं। ओके तो चले चलते हैं, लेट्स गो। देखे ज़रा कितना प्यारा घर बनाया है इन्होंने, ये बाहर ये देखे लालटेने लगी हुई है ना, ये अपने घरों में ये ऐसी पुरानी चीज़ें रखते हैं, ये देखे देखे ज़रा। ये भी गांव है लेकिन आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई शहर है, लेकिन ये गांव का हिस्सा है, ये गांव की मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, ये देखे ज़रा। तो इधर खूबसूरत है ना, क्या बात है यार उनकी, तो क्या ही बात है, ये देखो ये जैसे आपको ये सामने नज़र आ रहा है, यानी कि जिन्होंने रखे होते हैं ना संभाल के, जिन्होंने रखे ना कार, माशाल्लाह ये देखो बाहर लालटेने लगी हुई हैं, लालटेने। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कुछ घर टूटे हुए हैं और कुछ जो हैं वो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन जो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं ना, इन्होंने अपने लिए बनाए हैं, अपने इधर आके ना ये बैठते हैं, ये देखें ज़रा कितना क्या प्यारे, ये बाद में रिपेयर हुए हैं, ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये बाद में रिपेयर हुए हैं, कुछ ऐसे टूट गए थे घर। और ये देखें ज़रा, ये एक हवेली टाइप है, ये है एक हवेली टाइप, यानी कि जो घर गाँव में कोई बड़ी हवेली होती है ना, ये वो हवेली टाइप है। ये भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। ये जो तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये इनकी पुरानी गाड़ियाँ हैं लेकिन ये चलाते नहीं हैं, ये इन्होंने डेकोरेशन के लिए खड़ी की हैं, ये पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं तीनों, ये देखिए ज़रा। ये अपनी चीज़ों को ना, पुरानी चीज़ों को, जो इन्होंने ये देखें, वो ट्रॉली पुराने ज़माने की ट्रॉली है, ये पुरानी चीज़ों को अपनी को संभाल के रखते हैं, ये देखें ज़रा। ये गली है गाँव के अंदर जाने के लिए, ये ऊपर किला है, ये किला है, ये किले का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, एक ये रास्ता है इधर से और एक उधर से रास्ता है, ये देखें ज़रा। ये ऊपर किला बना हुआ है, ये नई इमारत बनी है लेकिन ये नीचे जो है ये इनके ना वो ईंटों से बनी है वो, लेकिन बाद में ये ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। ये सारे आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, ये बाहर से ये दीवार इन्होंने अच्छी की हुई है लेकिन अंदर से कुछ घर टूटे हुए हैं, कुछ इन्होंने रिपेयर किए हुए हैं। ये वाली जो है ना, ये गली है अंदर जाने के लिए, ये वाली, ये किला है, इस गाँव का किला, बड़ा किला है। ये जो है ना, ये इस किले का नाम लिखा है किला मुनेख, ये किले मुनेख है, किला मुनेख। ये रास्ता है इधर से ऊपर जाते हैं किले के अंदर, लेकिन मैं किसी दिन मौका मिला तो इंशाल्लाह ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा कि ये ऊपर से किला कैसा नज़र आता है। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपको इधर की एक एक चीज़ दिखाऊँगा। ये देखें, ये इस तरह ही बने हैं, इस तरह इधर बोलते हैं सराहा, हमारी ज़ुबान में बोलते हैं बैठक, बैठक होती है ना जहाँ पर दोस्त यार आके बैठते हैं। ये देखें, ये बैठकें बनी हैं इनकी, ये साथ में घर टूटा हुआ है लेकिन इन्होंने रिपेयर करके अच्छा बनाया हुआ है, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये खजूरों के बाग हैं, ये खजूरों वाले बाग हैं। ये अभी मैं ना पहाड़ के ऊपर हूँ, ये जो किला था ना, किला पहाड़ के ऊपर है ना, लेकिन गाँव का आधा हिस्सा जो है वो पहाड़ से नीचे है। ये साइडों पर ये खजूरों के बाग हैं, इधर बोलते हैं मजरा, खजूरों के बाग को बोलते हैं मजरा, जहाँ पे बाग होते हैं खजूरों के, इधर मजरा बोलते हैं। ये साइडों पे मजरे हैं, खजूरों के बाग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और अगर आपने हमारा चैनल इसी वक्त तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान क्या इंतज़ार कर रहे हो, इसे सब्सक्राइब करो, ये जो नीचे लाल बटन नज़र आ रहा है ना, इसे दबा दो, टन टन। तो ये सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा मैं जब भी अपलोड करूँगा। ओके तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।